एवरीवन, एंड आज हमारे पास है विंग्स की तरफ से आने वाला एक बहुत ही ज्यादा हैंडी और 5 वोल्ट का ब्लूटूथ स्पीकर। ये काफी कूल भी लगता है और मॉडर्न डिजाइन है, और जो स्ट्रैप का डिजाइन है वो भी काफी अमेजिंग दिया गया है यहाँ पे। पैकिंग ओवरऑल स्पीकर की बहुत ही ज्यादा डिजाइनर दी गई है और बहुत अच्छे से काम किया गया है पैकिंग के ऊपर। विंग्स लिखा हुआ है आगे, अपबीट 101 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है, जैसे ब्लूटूथ 5.1 आता है, एसडी कार्ड आता है, यूएसबी मोड, कॉलिंग फंक्शन देखने को मिल जाता है, स्ट्रैप मिल जाती है, बहुत ही लाइट है, TWS मोड है, पावरफुल 5.1 स्पीकर का पहला इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा है मेरा। हालांकि ये बहुत ज्यादा हल्का है, हल्का होने की वजह से थोड़ा सा इसकी क्वालिटी में इशू लग सकता है आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्का चाहता है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट मटेरियल से बना है, तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी। सारे प्ले पॉज प्लस माइनस बटन दिए गए हैं, सिर्फ यूएसबी टीएफ कार्ड और एक चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। जीबी का एक अच्छा रोल प्ले किया गया है यहाँ पे, साथ में सिल्वर कलर के अंदर ये विंग्स का पैसिव बेस रेडिएटर है, दूसरी तरफ भी सेम दिया गया है, एक ही तरफ स्टैंड भी दिए गए हैं और कुछ मेंशन VGA55 ब्लूटूथ 5 वोल्ट 1 एम्पीयर की ये चार्जिंग लेगा। ये ड्राइवर है, मेटल ग्रिल दी गई है, पीछे सिर्फ एक पैटर्न दिया गया प्लास्टिक के अंदर, ध्यान दिया गया है थोड़ा सा स्टाइलिंग के ऊपर विंग्स ने, बाकी आउटपुट अभी चेक करेंगे इसका। बॉक्स में एक चार्जिंग केबल, एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। कंपनी क्लेम करती है 20 घंटे का बैटरी बैकअप, बट मुझे लगता नहीं है 20 घंटे देगा, बाकी टेस्ट में देखेंगे। अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 8:01 और अभी हम प्ले कर रहे हैं। हमने पेयर कर लिया अपना स्पीकर अपबीट यहाँ पे कनेक्टेड, और अभी मैं प्ले करूंगा और टाइम टू टाइम अपडेट दूंगा कि एग्जैक्ट कितनी देर चला है। 70% वॉल्यूम अभी इसमें बता रहा है। तो अभी टाइम हो गया 9:10, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, चल रहा है अभी भी। अभी बज गए 10:51, लगभग 11 बज गए, चल रहा है ये। अभी 11:30 हो गए और अभी भी वर्किंग में, बाकी कल देख। पूरा अभी 2:01 और अभी भी ये चल रहा है, और सुबह मैंने 8:14 पे इसको चलाया था। टाइम हुआ है 3:18 और बंद हो गया ये। एक्शन। पहले क्लेम से शुरुआत करते हैं। कंपनी क्लेम करती है 20 घंटे का बैटरी बैकअप, बट 70% बैटरी पे 70% वॉल्यूम पे ये चला है 10:37। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसको 70% वॉल्यूम पे चलाते हो तो 15-1 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा 100% चार्ज के ऊपर। कस्टमर रिव्यू देखोगे तो बेकार मिलेगा। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 50-70% वॉल्यूम पे इसकी जो लाउडनेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए कस्टमर को लग रहा है कि ये क्वालिटी बेकार है। लेकिन एग्जैक्टली क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, वोकल्स बहुत क्लियर हैं, वोकल्स बहुत निखर के आते हैं, कानों में चुभते नहीं है, और जब आप इसको 100% वॉल्यूम पे चलाते हो तो इसका बेस, ट्रिबल, वॉल्यूम सब चीजें परफेक्टली काम करती है। लेकिन 100% वॉल्यूम पे बैटरी बैकअप आपको 15 घंटे का नहीं मिलेगा, आपका बैटरी बैकअप घटके 5-6 घंटे तक आ जाएगा, क्योंकि 70% वॉल्यूम पे जो बैटरी बैकअप ये देगा वो इस रीजन से देगा क्योंकि इसकी जो लाउडनेस है वो बहुत कम है, वहां पे बेस भी बहुत कम है, इसलिए कस्टमर इसका रिव्यू नेगेटिव दे रहे हैं। साउंड के लिए 5 में से मैं 4.5 स्टार इसको देना चाहूंगा, क्योंकि इसकी लाउडनेस में बहुत बड़ा इशू है, अदरवाइज साउंड क्वालिटी इज परफेक्ट। इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, साथ में टाइप सी चार्जिंग भी नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक ऑफ का सिस्टम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको ये पर्सनली ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज बैटरी चली जाएगी। साथ में इसमें आपको RGB कंट्रोल करने का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है, आप ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते हो। हाँ, इसमें कॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है।
दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग है कि इसकी जो वॉल्यूम है लोअर लेवल्स पे वो बढ़ाने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरा, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और थर्ड, अब टाइप सी का जमाना है, माइक्रो यूएसबी देने का कोई सेंस नहीं बनता। देखो, इस स्पीकर की बहुत अच्छी एडवांटेज ये है कि आपको चार्जिंग की दिक्कत नहीं आने वाली है, और दूसरा ये स्टाइलिंग के मामले में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और हैंडी भी है। तो 1000 रुपये के प्राइस में मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव कहूँगा, बट डेफिनेटली ये वर्थ इट है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।